भाई आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? भाई हम आर्मी इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि हमारा बचपन का सपना है, और कुछ नहीं, देशभक्ति भी होती है, देशभक्ति की भावना भी होती है, देश से प्रेम भी होता है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स 45 वाले में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। जैसा कि आपको पता होगा कि आर्मी की भर्ती आई हुई है, तो यहाँ चंबा वालों की भर्ती जो है 22 फरवरी को है। तो यहाँ के युवा जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं चंबा के पुलिस ग्राउंड बारगा में और आपको बताते हैं कि वो लड़के कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ग्राउंड में और जो है लड़कों ने जो है रेस जो है स्टार्ट कर दी है। अभी तक तो थोड़े ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो हैं और लड़के आ जाएंगे, क्योंकि ये डेली ही जो है रेस लगाते हैं यहाँ पर। लड़कों ने जो है रेस कंप्लीट कर ली है, तो चलिए उनके पास चलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कितने समय से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। देख सकते हो कि यहाँ पे जो है दो लड़के जो है तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ हम मार रहे हैं। चलिए इनके पास चलते हैं और इनसे थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और पूछते हैं कि कितने समय से ये जो है तैयारी कर रहे हैं। हेलो भाई, कहाँ से भाई? भाई चंबा से। चंबा से? तो कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? भाई एक साल हो गया। एक साल हो गया। कितने समय में आप 1600 मीटर जो है कम्प्लीट करें? भाई पहले तो हमें लग जाते थे 5:40, उसके बाद जैसे जैसे हमें तैयारी करते समय बढ़ता गया, अब तो शायद 4:50 और 5 के अंदर क्लोज कर देते हैं। हेलो भाई, आपका नाम? नाम भूपेंद्र ठाकुर। आप कितने समय से तैयारी कर रहे हो? मैं पिछले कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। 6 महीने से? हाँ जी। तो आप भी कहाँ से? चंबा के? नहीं, मैं तहसील सलोनी से। सलोनी तहसील से? हाँ जी। तो आप कितने समय में ये कंप्लीट कर लेते हैं? जब स्टार्ट किया था तब तो मुझे 6 मिनट लग जाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे तैयारी कर रहा हूँ तो मैं अभी जो मैंने पिछले सोमवार को टाइमिंग लगाई थी उसमें मेरा टाइम 5:10 आया। 5:10? हाँ जी सर। चलो, कितना समय है भर्ती? अब मेरी 24 फरवरी को है। 24 फरवरी? भाई आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? भाई हम आर्मी इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि हमारा बचपन का सपना है, जो सपने होते हैं वो पूरे करने को पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक भाई। और कुछ नहीं, देशभक्ति भी होती है, देशभक्ति की भावना भी होती है, देश से प्रेम भी होता है तभी। हाँ तो भूपेंद्र ठाकुर जी, आप बताइए कि आप क्यों आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं? सर मुझे वर्दी से बहुत प्यार है, आर्मी की वर्दी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा,
देशभक्ति वगैरह आपने भी है? हाँ देशभक्ति भी है, सब कुछ है। चलो ठीक है भाई, तब तो बेस्ट ऑफ लक आपकी भर्ती के लिए, और भगवान करे कि इस बार आप सबका जो है भर्ती को क्लियर करके आए और आर्मी ज्वाइन कर लें। ठीक है सर, ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।